खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शहर में बने रेन बसेरो व नगरपालिका प्रशासन की ओर से लगाए गए अलावों का जायजा लेने के लिए अचानक जिला अधिकारी पुलकित खरे देर रात सड़कों पर निकले। यह जानकारी मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने शहर के तमाम चौराहों, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल, रोडवेज बस अड्डा आदि का जायजा लिया। जिला अस्पताल में बने रेन बसेरे में कमियां पाए जाने पर जिला अधिकारी श्री खरे ने CMO डॉक्टर SK रावत को तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने के सख्त निर्देश दिए। इस मौके पर जिला अधिकारी श्री खरे ने ठंड से सिकुड़ रहे गरीबों, असहाय लोगों को अपने हाथों से कंबल उड़ाए। जिला अधिकारी के साथ ADM संजय कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर, अधिशासी अधिकारी शिव शंकर लाल शुक्ला भी मौजूद रहे। आज सभी अधिकारियों की टीम के साथ ADM प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट एवं नगर पालिका के साथ औचक रूप से हम लोगों ने रैन बसेरे की जो व्यवस्था है सर्दी के मौसम में उसका औचक निरीक्षण करा, जायजा लिया कि वहाँ पे सारी सुविधाएं ठीक हैं या नहीं। कई रैन बसेरे देखे जो पालिका की तरफ से संचालित थे, वहाँ पे हीटर की व्यवस्था मिली, कंबल और गद्दों की व्यवस्था मिली, पानी की व्यवस्था थी, केयरटेकर भी नियुक्त करा गया था। लोगों से भी रुक रुक के हम लोगों ने चौराहों पे बात करी जहाँ पे अलाव जल रहे थे, उनसे ये जानना चाहा कि ये अलाव नियमित रूप से जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं, उनको रैन बसेरे के बारे में पता है या नहीं पता। जितने भी रैन बसेरे पालिका द्वारा संचालित थे वो सही व्यवस्था में मिले। अस्पताल के अंदर जो जिला अस्पताल में है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित दो रैन बसेरे थे, वहाँ व्यवस्थाओं में कमी मिली। तत्काल रूप से CMO को वहीं बुलाया गया और उनको कल तक का समय दिया गया है कि वहाँ पे गद्दे की संख्या भी बढ़ाएं, बैनर भी लगवाएं जिससे लोगों को पता चले कि वहाँ पे रैन बसेरे संचालित और केयरटेकर की वहाँ पे व्यवस्था करें। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।